हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जो लास्ट दो वीडियो में देखा कि व्हाट इज़ द पोस्टमैन एज वेल एज द अंडरस्टैंड ऑफ द यूआई ऑफ पोस्टमैन, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट द फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट एंड हाउ गेट द रिस्पॉन्स इट। सो हम उसको क्या करेंगे, पहले एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उस पर आउटपुट क्या आता है, मीन्स रिस्पॉन्स क्या आता है, सो उसको एनालाइज करेंगे, राइट। सो पहले हमारा जो ये डिफॉल्ट वर्क स्पेस है, सो हम वन बाय वन देखेंगे। सो मैंने आई हैड नॉट डाउन इट। सो हमको पहले क्या करना है कि एक क्रिएट करना है एपीआई रिक्वेस्ट, राइट। सो नीड टू सैंपल रेस्ट एपीआई। सो पहले हम बात करेंगे माय वर्क स्पेस। सो यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ न्यू। सो ये मैं पर्सनल वर्क स्पेस क्रिएट करूँगा। सो वर्क स्पेस _1। सो ये समरी आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज लीव इट, जस्ट क्रिएट द वर्क स्पेस, राइट। सो ये हो गया, हमारा वर्क स्पेस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए ये बेसिक आ गया, इसको मैं बंद करता हूँ, ये सिंपल है। सो अब हम क्या करेंगे, उसमें एक हमारा कलेक्शन डालेंगे। सो एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं उसको। सो बेसिकली पहले हम एक दूसरी चीज देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी जरूरत पड़े कोई भी REST API की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, कहाँ से, मीन्स ऑनलाइन हम सर्च करके वहां से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसका जो हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं बाद में जो REST of वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपना। सो यहाँ पे बेसिकली मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे एक न्यू विंडो। सो यहाँ पे हमें लिखना है सिंपल REST API, ओके। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक REST API जो वेबसाइट है। सो यहाँ से आप नीचे जाओगे, सो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग अवेलेबल है कि सपोज आपको डिलीट की चाहिए, अपडेट, क्रिएट। सो यहाँ पे हम एक सिंगल यूजर की सिंपल ले लेते हैं। सो आपको क्या करना है, ये जो लिंक है इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दो आप, ओके। देन यहाँ पे देखिए सिंगल यूजर आपने कॉपी किया है, सो यू हैव टू जस्ट कॉपीड इट एंड जो URL है उसके पीछे आप ऐड कर दीजिए, राइट। सो ये हो गया। सो आप यहाँ से हिट करोगे सो आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। सो ये JSON फाइल में लिखा होता है। सो आपको ये रिक्वेस्ट हमें कहाँ पे लेना है, हमारे पोस्टमैन में। सो सिंपल यहाँ पे हम ओपन करते हैं पोस्टमैन। सो यहाँ पे हमें क्रिएट कलेक्शन करते हैं। सो जस्ट नेम कलेक्शन _1, ओके। सो मैं जस्ट यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया, राइट। सो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में कुछ नहीं था पहले। सो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है कलेक्शन, राइट, जो वर्क स्पेस वन में था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, राइट। सो यहाँ पे आप कर सकते हो एड रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे आ गया सेव रिक्वेस्ट, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट रिक्वेस्ट 1, ओके। सो आप यहाँ पे क्रिएट करके वहां पे उसको सेव कर दीजिए। सो यहाँ पे देखिए गेट रिक्वेस्ट बना हुआ है, राइट, और यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो हमें उसको एडिट करना है। सो गेट रिक्वेस्ट जो बना दिया हमने, सो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि एंटर रिक्वेस्ट URL, जो आपको कहाँ से उसको रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने जो एक ब्राउजर में बनाया था REST API, सो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे जो लिंक है वहां पे हम पेस्ट करते हैं, ओके। सो यहाँ से हम हिट करेंगे सेंड बटन को, तो हम देखेंगे उसका आउटपुट आया, राइट। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आ गया जो हमने वहां पे देखा था, राइट। सो बेसिकली ये जो आउटपुट आया है वो JSON फाइल में है। सो यहाँ पे चार व्यू है, आप देखिए प्रिटी रो, तो रो में आ गया जो हमने ब्राउजर में देखा था, रो था। देन प्रीव्यू भी आप कर सकते हो कि ऐसा आता है। विजुअलाइज में अभी कुछ डेटा ऐसा है नहीं विजुअलाइजेशन के लिए, इसलिए नहीं होता है। देन यहाँ पे आप अलग अलग फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, XML, सो XML में भी आ सकता है यहाँ पे। देन HTML फॉर्मेट, राइट, देन टैक्स एंड लास्ट ऑटो जो हमारा JSON है, राइट। सो एक और चीज है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रैप लाइन। रैप लाइन मीन्स हम जब वर्ड में यूज कर एक्सेल में यूज करते हैं कि एक कॉलम में हमारी जो टैक्स साइज है बहुत बड़ी है, सो हमें रैप करना है, सो वहां से हम रैप कर सकते हैं, राइट। सपोज कि यहाँ से ज्यादा है, एक कंसोल से बाहर जाती है, तो
तो आप क्लिक करोगे तो वो वहां पे रैप हो जाएगी, राइट। लेकिन उसकी साइज अभी कम है तो वो एडजस्ट हो गई है कंसोल में। सो ये बेसिक ओवरव्यू था हमारा जो रिस्पॉन्स आया उसका। सो यहाँ पे कुकी है, सो कुकी में हेडर में जो भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या अवेलेबिलिटी है। मिस डेट है यहाँ पे, कौन से डेट को ये हुआ था, देन कंटेंट टाइप क्या है, देन ट्रांसफर एनकोडिंग क्या है, कनेक्शन लाइव है। सो ये सारी चीज अवेलेबल है जो हमारी कुकीज में है। देन यहाँ पे बॉडी, सो बॉडी में हमारा ये पार्ट आता है। अब हम बात करेंगे स्टेटस। सो उसमें लिखा है स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट, राइट। देन वो टाइम जो लिया है ये रिक्वेस्ट सेंड और रिसीव करने के लिए, सो 371 माइक्रो सेकंड। देन साइज थी वो क्या थी, से 946 बाइट, राइट। सो ये हमारा रिस्पॉन्स आया, उसकी डिटेल्स थी। अगर आप रिस्पॉन्स को सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेव एज अ एग्जाम्पल भी कर सकते हो, सेव टू फाइल भी कर सकते हो, राइट। और अगर आपको कुछ सर्च करना है इसमें, कि सपोज मैं सर्च करूंगा यहाँ पे ईमेल, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है ईमेल भी है। देन आपको कोई ये कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी क्लिपबोर्ड भी कर सकते हो आप, देखिए यहाँ पे हो गया। देन आप जो अलग अलग चीज है, अगर आपको यहाँ से भी देख सकते हो कि हेडर में 7 फाइल आई थी, राइट। सो यहाँ पे अलग अलग जो भी डिस्क्रिप्शन होगा आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। सो ये मैंने बताया आपको सिंपल कि कैसे एक API रिक्वेस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज हम उसको पोस्टमैन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।